بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين بائث الانبياء والمرسلين الصلاة والسلام التحيات والاكرام على البشير النذير السراج المنير مولانا ونبينا وشفيعنا ان شاء الله ابي القاسم مصطفى محمد الشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد 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 شبیر حسن ابن غلام نبی عابدہ بیگم بنت فقیر عباس کی किया है परवरदिगार उनकी इस सज़ादारी को कबूल फरमाए। मज़लूमे कायनात सिद्दीक़े ताहिरा हज़रत फ़ातिमतु ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक मुख्तसर सी हयात है बीबी की, सिर्फ 18 साल, और ये 18 साल शहज़ादी कौनैन की जो ज़िंदगी है ये कायनात की तमाम औरतों के लिए, चाहे वो बेटी हो, चाहे वो सौजा हो, चाहे वो माँ हो, सब के लिए नमूने अमल और उसवे अमल है। इस तरीक़े से शहज़ादी ने ज़िंदगी बसर की है, इस तरीक़े से बीवी ने इन 18 बरस को जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने बसर किया है कि ये 18 साल की हयात एक मौजज़ा है। एक अलग मौजू है और हयात रही इंशाअल्लाह तो कभी आपकी खिदमत में अर्ज़ किया जाएगा। आज एक जो बहुत अहम मौजू जिस पर उतनी गुफ्तगू नहीं होती, मसले फिदक जो जनाब फातिमा ज़हरा से बहुत मरबूत है और बहुत अहम वाक़या है ये तारीख का। शियों के पास 3 वाक़े ऐसे हैं कि जो तशय्यो को तक़वियत और तरी करते हैं, शियत की जान है ये 3 वाक़े।
एक वाकए गदीर है, एक वाकए मुबाहला है, एक वाकए फिदक है और एक वाकए करबला है। ये तीनों वाकए अगर इसको निकाल दिया जाए तारीख से तो शियों के पास फिर कुछ नहीं रह जाता। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाला, साबित होती है इन तीनों वाकयात से। गदीर एक ऐसा वाकया है कि जिससे हमारी पहचान है, फैदक एक ऐसा वाकया है कि जिससे हमारी हकानियत साबित होती है, और करबला तो एक ऐसा सूरज है, एक ऐसा नुमाया चिराग है कि जिसकी रोशनी में पूरा आलम इस्लाम की हकीकत को समझ सकता है। जिस आयत करीमा की तिलावत की है हज़रत की खिदमत में, इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। ऐ अहले बैत, खुदा का इरादा ये है कि वो आपसे हर तरीके की रिक्स और नजासत और कसाफत को दूर रखे, उस तरीके से जो दूर रखने का हक है। इस आय करीमा के जैल में भी एक तवील गुफ्तगु हो सकती है। इसके सिलसिले में, इसके जैल में नजरियात हैं उलमाए इस्लाम के, उम्मत मुस्लिमा के जो उलमा गुजरे हैं उनका नजरिया, कुछ का कहना है, मसलन उलमाए तशय्यो और उसमें दीगर फिरते के भी उलमा शामिल हैं, कि अहले बैत से मुराद पैगंबर इस्लाम, मौलाए कायनात, जनाब फातिमा, इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, और फिर उनकी नस्ल से जो 12 इमाम हैं, ये सब आए करीमा में जो अहले बैत का लफ्ज आया है ये इसमें शामिल हैं। ये एक नज़रिया है। एक नज़रिया ये है जो बरादरान अहले सुन्नत के जो उलमा ने नज़रिया बयान किया है उनके एतबार से, कि पैगंबर इस्लाम की जो अजवाज थी, जो उनके घर की औरतें थीं, उन वो मुराद हैं अहले बैत से। दोनों नज़रिए में, चाहे वो पहला नज़रिया हम माने चाहे हम दूसरा नज़रिया माने, दोनों में एक ज़ात कामन है। एक सलवा पढ़े मोहम्मद वाले, उसमें पैगंबर इस्लाम, हजरत अली, जनाब फातिमा, इमाम हसन, इमाम हुसैन, बाकिया अजवाज नहीं है, बाकिया खवातीन पैगंबर इस्लाम के घर की नहीं है। दूसरा नजरिया अगर हम मानते हैं तो उसमें अजवाज हैं लेकिन पैगंबर इस्लाम नहीं है, मौलाए कायनात नहीं है, इमाम हसन नहीं है, इमाम हुसैन नहीं है। एक ज़ात है कि जो पहले नजरिए में भी पाई जाती है, दूसरे नजरिए में, यानी जिसको शिया मानते हैं, जिसको अहले सुन्नत मानते हैं, वो कौन है? वो सिद्दीक़े ताहिरा हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह, अहले बैत में कोई हो या ना हो जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ात मौजूद है। तो जो है आयत तहीर में खुदावंद आलम ने वादा किया है कि इनसे हर तरीके की रिज़ नजासत, गलती, खता, मासियत, गुनाह को दूर रखे। इस तरीके से जो दूर रखने का हक है वो युद्ध है रखूं, और अहले बैत खुदा का इरादा ये है कि वो तुमको पाक रखे, जो पाक रखने का हक है। अब यहाँ से क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा मुतवज्जह हो जाए आप, जरा एक बात अर्ज करके फिर आते हैं पहले की तरफ। ये इसका क्या मतलब है, ऐसा पाक रखे जो पाक रखने का हक है? किसी चीज को, कोई चीज मसलन नजीस हो गई, ये लिबास है, रुमाल है आपका नजीस हो गया, तो उसको पाक करने के लिए मसलन अगर किसी पेशाब वगैरह से नजीस है किसी तरीके से, तो उसके तरीके बताए गए हैं कि आपको कैसे मामूली कोई नजासा है तो आप जाइए टोटी के नीचे उसको गोता कर लीजिए, पाक हो गया। अब जो रुमाल, जो कपड़ा, आपका लिबास जो नजीस था, उसको कुर का जो पानी था उससे मुतसिल कर दिया, धो दिया, अब ये पाक हो गया। अब जब ये पाक हो चुका है तो क्या अब इसको और ज्यादा पाक किया जा सकता है? जो लिबास पाक हो चुका है तो पाक हो चुका,
उससे ज्यादा अगर आप सात समंदर में ले जाएंगे तो होता कि जो पाप जैसा पहले था वैसे ही पाप रहेगा, उसकी पाकीजगी में उसके पाप होने में अब इजाफा होने वाला नहीं है। जितना पाप पहले था छोटी से धोने पे उतना समंदर में गोता करने पर भी उतना ही पाप होगा, उससे ज्यादा पाप नहीं होगा। ये खुदा बंदे आलम क्या कह रहा है, वयुता हेरकुम ऐसा पाक रखे जो पाक रखने का हक है। यानी क्या, यानी तर्जमा सवाल में इसका करें तो यानी आपको ज्यादा पाक रखे, ये ज्यादा जो पाक चीज पाक है तो वो पाक ज्यादा कैसे हो सकती है। इसके सिलसिले में हमारे उलमा बताते हैं कि पाक चीजें, इसका मतलब ये है कि पाक चीजें दो तरीके की होती है। एक चीज ऐसी जो पाक तो है बजाते खुद पाक है लेकिन वो किसी दूसरी चीज को पाक नहीं कर सकती। सब अपने है, जो खाना खा रहे हैं पाक है, आप खा सकते हैं, शरबत है जो पी सकते हैं पाक है, इसके अलावा जो और भी चीजें जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, खाने पीने की चीज है, जो लिबास है, ये पाक है। लेकिन शरबत से आप किसी नजिस चीज को पाक नहीं कर सकते, समझो है। खाने की किसी चीज से आप वो खा सकते हैं, वो चीज पाक है, लेकिन उससे आप किसी दूसरी चीज को पाक नहीं कर सकते। शरबत अगर है, कोल्ड ड्रिंक अगर है, तो ये खुद तो पाक है लेकिन दूसरी चीज को आप उससे पाक नहीं कर सकते। लेकिन कुछ पाक चीजें ऐसी होती हैं कि जो खुद भी पाक होती हैं और दूसरों को भी पाक करने की सलाहियत रखती हैं, जो खुद भी पाक होती है और दूसरी चीजों को पाक करने की सलाहियत जब नजिस चीज से मुतासिर हो जाए तो उस नजिस चीज को भी पाक करने की सलाहियत, जैसे पानी, पानी बजाते खुद तो पाक है लेकिन जिस चीज से ये मुतासिर हो जाए उस चीज को भी पाक कर देने की सलाहियत रखता है। यानी अब पानी को हम ज्यादा पाक कह सकते हैं। कुरान मजीद में खुदा बंदे आलम ने युद्धा हैरकुन के जो लफ्ज इस्तेमाल की है उसका मतलब यही है, अहले बैत तुमको ज्यादा पाक रखना है। क्या मतलब, यानी तुम तो पाक हो ही लेकिन अगर कोई दूसरा तुमसे मुतसिल हो जाएगा तो तुम उसको भी पाक बना दिया करोगे। इम्कान नहीं है, खुदा गवाही दे रहा है, कुरान गवाही दे रहा है। तो कीजिएगा, अगर कुरान गवाही दे रहा है, सर्रा बराबर एक साथ हत्या इनको तो सब मानते हैं, अगर नाउज बिल्ला किसी भी मसले में किसी भी सूरत से जनाबे फातिमा ज़हरा का एक भी अमल एक भी काम बातिल साबित हो जाए तो सिर्फ जनाबे फातिमा ज़हरा पे एतराज नहीं होगा, पहला एतराज होगा आये तत्हीर पर, क्योंकि आये तत्हीर ने जनाबे फातिमा ज़हरा की तहारत की जिम्मेदारी दी है। और जब आये तत्हीर पर सवाल होगा, जब आये तत्हीर पर इश्कार होगा, इसका मतलब कुरान से सवाल आएगा। तो जो है कुरान से सवाल आएगा कि जिस फातिमा से नाउज़ुबिल्लाह गलती का इम्कान है, खता का इम्कान है, गलती हो सकती है, तो आयत तहीर ने कैसे इनकी तहारत की गवाही दी। उसी आयत, वो आयत तहीर कुरान मजीद में है, यानी इस्लाम की जो बुनियादी किताब है पूरा कुरान जेर सवाल होती है, पूरे कुरान का एतबार खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। कुरान का एतबार खत्म यानी खुदावंद आलम के ऊपर से एतबार हो जाएगा, पूरा इस्लाम जेर सवाल आ जाएगा। ये मामूली साहब नहीं है जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, मामूली साहब का नाम है जनाब फातिमा ज़हरा, और इसको अहले तशय्यु में मानते हैं। पूरा उम्मत है, पूरी उम्मत है मुसलमान तस्लीम करती है कि आये तकदीर से मैं एक साथ जो मुराद है वो कम से कम सिद्दीक़ ताहिरा हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। किसी से भी गलती हो सकती है लेकिन जनाब फातिमा ज़हरा से गलती का इम्कान नहीं। अब इस मुकदमे के बाद इन बातों पर ध्यान रखिए। अब आइए, अब यहां से सिर्फ सुनिए, एक अहम मौजू है, खुलासा आपकी खिदमत में पेश करना है।
कि मामला था क्या। ये इतना बड़ा मामला जो दबाने की कोशिश की जा रही है, छिपाने की कोशिश की जा रही है, क्यों इसको बयान करना चाहिए, उसकी अहमियत क्यों है बयान करने की। क्यों अर्ज कर रहा था मैं शुरू में कि ये तशय्यों का, शीयों का, शीयों की तारीख का सबसे अहम वाकया, इससे हक्कानियत साबित होती है। इसको क्यों बयान करना चाहिए, क्योंकि हक्कानियत शीयत इससे साबित होती है। अहमियत क्यों है, का अहमियत इसलिए है कि अगर इस मसले में, फितक के मसले में, नाउज बिल्ला किसी भी सूरत से जनाब फातिमा अगर गलत साबित हो जाती हैं तो आए तकदीर पर सवाल होगा, फिर कुरान पर सवाल होगा, फिर खुदा पर सवाल होगा, फिर इस्लाम पर सवाल होगा। यानी कुरान क्या नाउज बिल्ला झूठे का साथ दे सकता है, आए तकदीर क्या किसी गलत की गवाही दे सकती है। तवज्जो कीजिएगा, अहमियत है इसकी। जनाबे फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का ये जो फितक का मसला बहुत अहम मसला है। था क्या, कैसे जनाबे फातिमा ज़हरा के पास आया था, फिर ये कहाँ गया, किसके पास पहुंचा, इसकी पूरी तारीख बिल्कुल क्योंकि छोटे बच्चे भी हैं आसान लफ्जों में पेश करना चाह रहा हूं, उसको जरा सा गौर से सुनिएगा। जब जंग खैबर हुई है, जंग खैबर किससे हुई है, मुसलमानों से और यहूदियों से, तो जो जंग खैबर मुसलमानों से और यहूदियों, मुसलमानों को कामयाबी मिली। इस जंग की कामयाबी किसकी वजह से जंग में कामयाबी मिली है, मौला मुत्तकियान हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। खैबर को फतह किया, बाबे खैबर को उखाड़ा है, पूरे उसमें यहूदी रहते थे। जाहिर सी बात है जिन यहूदियों ने देखा होगा मौलाए कायनात के शुजात को, किसी में हिम्मत है कि उनके मुकाबले में, लड़ते थे इनका नाम सुनकर, टहल जाते थे मौलाए कायनात का नाम, ये तो शुजात इतना ताकतवर। बाबे खैबर जब फतह हुआ है, खैबर एक किला का नाम नहीं है, खैबर एक इलाके का नाम, एक शहर का नाम, उसमें खैबर था। तो लिखिएगा जो बाबे खैबर कहते हैं तो वो खैबर, खैबर किले का नाम नहीं था, किले का नाम कुछ और था, खैबर शहर का नाम था। उस शहर में जो किला था उसको फतह किया था उसमें, तो ये यहूदी उसमें रहते थे। जब जंग खैबर फतह हुई है तो यहाँ के यहूदी कुछ मारे गए, फिर कुछ जो है आ गए फितक में। फितक में भी जो मशहूर है हमारे दरमियान बाग फितक, वजह इसकी क्या है, आप जब भी कहेंगे बाग फितक तो जो कीजिए अंग्रेजी, इसमें भी एक सियासत, एक साजिश है। जैसे कहेंगे बाग फितक, तसव्वुर क्या आएगा जहन में, यानी उसमें 10 बीघा 20 बीघा 50 बीघा 100 बीघा एक जमीन रही होगी, एक बाग रहा होगा, खजूर और कुछ जरा तरह, यही तो तसव्वुर आएगा। बाग से क्या तसव्वुर आता है, नहीं मेरे अजीजो, ये बाग नहीं था सिर्फ, फिदक एक बाग का नाम नहीं है, फिदक नाम है एक इलाके का, जिसे पूर्वांचल एक इलाका है, बाग नहीं है। उस वक्त का बाग रहा हो, चूंकि बहुत सरसब्ज जमीन थी, अगर उस पर कोई दाना आप यूं ही फेंक दिया कर फेंक देते थे तो वो उग जाया करता था, इतनी उपजाऊ जमीन थी, तो इसलिए उसको बाग कहा गया हो। तो इस वजह से या हो सकता है दुश्मन की साजिश रही हो, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि मामले की अहमियत को कम करने के लिए बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी को छोटा नाम दिया जाता है। सलाम बड़े मोहम्मद वाले कब्जा किया हवेली पर, बाद में जो बड़ी थी उसको कब्जा कर लिया, तो यह ताकि अहमियत को कम किया जाए। तो उसमें एक साजिश रही हो, वो सिर्फ एक बाग नहीं था बल्कि एक बहुत बड़ा इलाका था। आप तारीख उठा के देखिए, 50 किलोमीटर बाई 50 किलोमीटर का इलाका है, तो 50 किलोमीटर लंबाई चौड़ाई कितना ज्यादा, कितना बड़ा इलाका होगा। ये था पूरा उतना, इसमें रहते थे यहूदी। खैबर के जो यहूदी थे वो भी यहाँ आ गए, अब ये इकट्ठा यहाँ पर रहने लगे। इधर पैगंबर इस्लाम मक्के में थे, मदीने में थे, चल रहा यहाँ पर फिदक के यहूदी कुछ इस्लाम के खिलाफ साजिशें करने लगे। इस्लाम के खिलाफ जब साजिशें करने लगे तो अभी तो जंग हुई थी, पैगंबर इस्लाम ने पहले इनको समझाने के लिए ताकि जंग ना करनी पड़े,
चाहते तो चूंकि इस्लाम की ताकत बहुत ज्यादा हो चुकी थी तो इनको जंग के जरिए से शिकस्त दे सकते थे, कोई औकात नहीं थी, साजिश किया करते थे। तो पैगंबर इस्लाम सरकार दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पैगंबर इस्लाम ने उसको समझाने के लिए किसको भेजा, फतेह खैबर, ताकि इनको देख कर थोड़ा सा रो दबदबा मौलाए कायनात का चुके था, मौलाए कायनात को भेजा कि आप जाइए इनको समझाइए कि इस्लाम के खिलाफ साजिश न करें, अपना काम करें, साजिश न करें, हमसे मतलब नहीं है, लेकिन अगर साजिश करेंगे तो इनको खत्म करने में हमें टाइम नहीं लगेगा, इनकी ताकत नहीं है। किसको भेजा, मौलाए कायनात, मौलाए मुत्तकियान हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम आए हैं, गुफ्तगू हुई है, ये लोग फौरन हजरत अली को देखते ही सरेंडर कर गए, फतेह खैबर है, लड़ने की हिम्मत नहीं थी, ताकत उतनी थी नहीं। अब इन लोगों के दरमियान, इस्लाम के दरमियान और इन यहूदियों के दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ है। एग्रीमेंट क्या हुआ, यहूदियों ने कहा कि इस फैदक जो इतना बड़ा इलाका है इसकी आधी जमीन हम देते हैं पैगंबर इस्लाम को, तवज्जो कीजिएगा, आधी जमीन देते हैं किसको, पैगंबर इस्लाम आपको देते हैं, आधे इलाके में हम रहेंगे, कोई साजिश नहीं करेंगे इस्लाम के खिलाफ, हम कोई ऐसी साजिश नहीं करेंगे, अगर बाय चांस कोई साजिश पकड़ी जाती है हमारी तो फिर आपको अख्तियार है, हमें यहाँ से आप निकाल कर पूरे पूरे इलाके पर आप कब्जा कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी आ गई इस्लाम पैगंबर इस्लाम के पास, शरीयत में कानून में इस्लाम में जो भी माल, पूरी तवज्जो मेरे अजीज हो, दो तरीके से माल हासिल होता है, एक जंग के जरिए एक बगैर जंग के। जंग के जरिए जब माल हासिल होता है तो ऐसे माल को कहते हैं माल गनीमत, वो जो है, अब उसमें असलहे भी होते हैं, पैसे भी होते हैं, जेवरात भी होते हैं, जमीन भी होती है, हर चीज होती है, इसको कहते हैं माल गनीमत। माल गनीमत में जंग में किसका कितना हिस्सा रहा है उसके एतबार से माल गनीमत सबको तकसीम किया जाता है, सबको बांटा जाता है, उसका भी हिस्सा होता है अलग अलग, मसलन सरकारी आलम का अलग हिस्सा होगा, इनका अलग हिस्सा होगा, इनका अलग हिस्सा होगा, बराबर हिस्सा सबको दिया जाता है माल गनीमत में। लेकिन ऐसा माल जो इस्लाम के रोब से, इस्लाम के दबदबे से हासिल हुआ हो, जिसमें जंग ना हुई हो, कानून में इसकी तारीफ लिखी हुई है कि जिसमें किसी का एक कतरा खून या एक कतरा पसीना न गिरा हो, सिर्फ इस्लाम के रोब व दबदबे से जो माल हासिल हो जाए उसे कहते हैं माले फै। क्या कहते हैं, माले फै। सब अपने मोहम्मद माले मोहम्मद चार मजलिस मैं यहाँ पढ़ चुका हूँ तो आपको अंदाजा होगा कि नारे हैदरी वाली भी मजलिस पढ़नी मुझे आती है, अहम टॉपिक है, अगर सुन आप सुन रहे हैं बात पहुंच रही है तो एक बाबा से बलंद सलवात पढ़ें। वरना अगर कहिए तो बदल सकते हैं, यही दूसरी तरफ भी जा सकते हैं, मगर सुन लीजिए इसको, अहम मौजू है। माले फै कहते हैं, माले फै पे किसी का हक नहीं होता, माले फै मुकम्मल अख्तियार है पैगंबर इस्लाम सरकार दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपनी मिल्कियत है, शख्सी मिल्कियत है, क्योंकि ना इसमें किसी का खून लगा है, ना किसी का एक कतरा पसीना लगा है, किसी का कोई हिस्सा नहीं है, ये पूरा अख्तियार है किसका, ये पूरा बाग पूरा इलाका पैगंबर इस्लाम। जब पैगंबर इस्लाम को मिला, अब फिर तारीख उठा के देखिए, मिंबर पर बैठा हूं, कभी भी बगैर दलील की बात नहीं करता, अलग से अपने दिमाग से लगा कर कोई बात उठ पटांग जाए, मजलिस चले ना चले, नहीं बयान करता, जो तारीख में जो हकीकत लिखी हुई है वो बयान करता हूं, चाहे अहले सुन्नत की किताबें उठा के देख लीजिए, चाहे अहले तशय्यो की तफसीर की किताबें उठा के देखिए, कि ये पूरी प्रॉपर्टी पैगंबर इस्लाम के पास थी, आयत नाज़िल हुई, वाते जल कुर्बा हक्का, ऐ पैगंबर जविल कुर्बा को उनका हक दे दीजिए, जित
जितने भी शिया उलमा हैं जिन्होंने तफसीर लिखी है सब का ये मानना है, और बहुत से अहले सुन्नत के जो उलमा हैं उनका ये मानना है जो मुफस्सरीन है कि जब ये आयत नाज़िल हुई तो पैगंबर इस्लाम ने जनाब जिब्रील से पूछा कि किसको क्या दे दे, को उनका हक दे दीजिए। पैगंबर इस्लाम को पता था लेकिन उम्मत को बताने के लिए, लोगों को बताने के लिए पैगंबर इस्लाम ने जनाब जिब्रील से पूछा कि किसको क्या दे दें। तो जनाब जिब्रील गए हैं, फिर वापस आए हैं, पैगंबर इस्लाम को बताया है कि फातिमा को फिदक दे दीजिए। एक सलवा पढ़ दे, अपनी जिंदगी में पैगंबर इस्लाम ने लिख कर पूरी प्रॉपर्टी जनाब फातिमा के हवाले कर दी। अहले शिया की किताब में, हर किताब में मिलेगा, अहले सुन्नत की बहुत सी किताबों में ये मिलेगा कि पैगंबर इस्लाम ने जनाब फातिमा को ये बाब लिख कर दे दिया। अब ये प्रॉपर्टी, ये किस सन की बात है? सन 7 हिजरी के आखिर में, तो लिखिएगा सन 7 हिजरी, यानी पैगंबर इस्लाम अभी है, सन 7 हिजरी के आखिर में ये पूरी प्रॉपर्टी जनाब फातिमा जहरा के हाथ में थी। जनाब फातिमा जहरा के उम्माल यानी काम करने वाले उसमें काम करते थे, एक आमिल था यानी जिसको हम मैनेजर कह लें, वो उनका उनकी तरफ से मुहम मुंतखब था, वो काम करता था, चूँकि बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी। और जो उलमा ने लिखा है 70,000 दीनार से लेकर 1,00,000 से ज़्यादा दीनार की आमदनी थी इस बाग की सालाना। 70,000 दीनार, 70,000 सोने के सिक्के, बहुत बड़ी, मगर ये आमदनी, इतनी बड़ी आमदनी 1,00,000 से ज्यादा तक की आमदनी 70,000 से लेकर जो उलमा ने लिखा है ये जनाब फातिमा जहरा के पास आती थी। अब जरा सा तारीख उठा के देखिए कि इतनी ज्यादा दौलत हर साल इस बात से जनाब फातिमा के पास आती थी, लेकिन घर की क्या हालत है? खाने के लिए कभी रोटी नहीं है, है कि नहीं? चादरें पैमंदार खरीदी जा रही हैं, कभी बच्चे प्यास से भूख से तड़प रहे हैं, है कि नहीं? ये इतनी ज्यादा दौलत आ रही थी, जा कहाँ रही थी? मेरे अजीजो, फातिमा के पास ये दौलत आ तो रही थी लेकिन उसका 1 रुपया भी सिद्दीका ताहिरा अपने ऊपर खर्च नहीं करती थी, बल्कि जो गरीब आता था उसे अता करती थी, फकीर आता था उसे अता करती थी, मिस्कीन आता था उसे अता करती थी। एक सलवात पढ़ें मोहम्मद वाले, इस दुनिया से रुखसत हुए, छीनी क्यों गई ये प्रॉपर्टी, ये जमीन बाग फिदक ये जनाब फातिमा जहरा से छीनी क्यों गई? उसकी बहुत सी वजूहात थी, एक वजह ये थी जब आज किया मैंने तो जो कीजिएगा क्या किया गया जनाब फातिमा जहरा के साथ, एक वजह ये थी। आप तस्वीर करें इसी बस्ती में मसलन किसी को खुदावंद आलम ने खूब दौलत दी हो और उसका रोज का ये काम हो, उसको बहुत दौलत दी है, उसका रोज काम यह हो कि वो सुबह बैठ जाता हो 1-2 घंटा जिसको भी जो जरूरत हो, 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 सब कुछ, ना देख रहा है, ना जात देख रहा है, ना अपने खानदान का है, कुछ नहीं देख रहा है, जिसको जो जरूरत है वो उसको अदा कर रहा है, दे रहा है। ये इज्जतदार होगा कि नहीं होगा? लोगों का दिल इसकी तरफ झुकेगा कि नहीं झुकेगा? लोग इससे मोहब्बत करेंगे कि नहीं करेंगे? पूरा इलाका इनका गिरवीदा हो जाएगा, पूरा इलाका इनके साथ हो जाएगा। एक वजह ये थी कि लोगों, जब फातिमा के पास इतनी दौलत रहेगी तो लोग इनके दर पर आएंगे, इनसे मोहब्बत करेंगे, इनके तरफदार होंगे। सबसे पहले इनको इक्तिसादी तौर पर इतना कमजोर कर दो ताकि कोई इनसे मिलने ना आए। सवा पढ़ने को वही जाएंगे जहां मिलेगा, एक वजह यह थी। पैगंबर सलाम
इस दुनिया से रुखसत हुए, पहला काम जो खलीफे अव्वल की तरफ से हुआ कि सिपाही भेजे गए। जनाब फातिमा जहरा के जो उम्माल थे, जो आमिल थे काम करने वाले, इनको वापस भेज दिया गया, भगा दिया गया वहाँ से। उन्हें आके जनाब फातिमा जहरा को बताया, तो जो कीजिएगा जनाब फातिमा जहरा को बताया। बस अलग ये अब अजीजाने ग्रामी, जैसे ही जनाब फातिमा जहरा को ये खबर मिली, जिंदगी में पैगंबर अक्सर अब बुजुर्ग मदरसों में सुनते हैं ना कि मीरास का दावा हुआ था, मीरास का मामला ही नहीं था। बहुत से लोग यहाँ पे माशाल्लाह तहसील से वाबस्ता है, तो आप उनके बहुत आसानी से बात पहुंच जाएगी कि मीरास का मामला ही नहीं था, मीरास का मसला ही नहीं था। जनाबे फातिमा जहरा को जब ये पता चला कि इनके इस जमीन पर कब्जा कर लिया गया है, तो जनाबे फातिमा जहरा का दरवाजा मस्जिद में डायरेक्ट खुलता था, लेकिन उस दरवाजे से नहीं गई फातिमा जहरा, मेन दरवाजे से मस्जिद में दाखिल हुई है। और मस्जिद में दाखिल होकर जनाबे फातिमा जहरा ने एक दावा पेश किया है, पूरा मुकदमा जिस तरीके से कचहरी में अदालत में मुकदमा होता है उस तरीके से मुकदमा हुआ है, कार्रवाई हुई है, गवाही हुई है और उसका नतीजा पेश किया गया है। ज़हालत मुलाजा फरमाया जनाबे फातिमा जहरा, जनाबे इमाम हसन, जनाबे इमाम हुसैन, मौलाए मुत्तकियान और जनाबे उम्मे ऐमन, इनको लेकर जनाबे फातिमा जहरा कब्जा कर लिया गया है बाग पर। जनाबे फातिमा जहरा आई है, कहाँ आई है, दरबार कह लीजिए, मस्जिद कह लीजिए, खलीफे अव्वल बैठे हुए हैं। जनाबे फातिमा जहरा ने कहा कि कितने साल, सन 7 हिजरी में जनाबे फातिमा को मिला था, सन 7 हिजरी के आखिर में, सन 8 हिजरी, सन 9 हिजरी, सन 10 हिजरी, 3 साल से जनाबे फातिमा जहरा के तरफ से लोग उसमें काम कर रहे थे और उसकी आमदनी जनाबे फातिमा जहरा के पास आ रही थी। एक कानून है इस्लाम में जिसको कहते हैं कायदे यद, यानी अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसी मिल्कियत कि जिस पर किसी और का कोई दावा, कोई हक ना हो, हमारे पास कोई कागज भी नहीं है लेकिन वो प्रॉपर्टी हमारे कब्जे में है, तो हमारे कब्जे में होना ये भी एक सनद होती है कि ये हमारी प्रॉपर्टी है। इस सलाह पढ़ने मंगलवार को कोई कागज नहीं है उसका, कोई कागज नहीं है लेकिन वो प्रॉपर्टी को समझने महल है, घर है, जब तक अब अगर क्योंकि हमारे कब्जे में है, अगर कोई ये दावा करता है कि ये प्रॉपर्टी हमारी है तो हमें कागज दिखाने की जरूरत नहीं है, जो दावा कर रहा है उसको दिखाना पड़ेगा क्योंकि कायदे जब हमारे हक में होगा। तो जो है ये क्योंकि प्रॉपर्टी जो हमारा कब्जा, इसको कहते हैं कायदे यद। ये हिंदुस्तान कानून दूसरे कानून जो मुल्क है उसमें भी ये कानून पाया जाता है, कायदे यद, यानी हमारा कब्जा जिस प्रॉपर्टी पर है, अगर कोई ये दावा कर रहा है कि ये प्रॉपर्टी हमारी है तो जो दावा करने वाला है उसे कागज, उसे सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, हमारा कब्जा होना ही एक हमारी सनद है। जनाब फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा 3 साल से कब्जा था जनाब फातिमा जहरा का। अब जनाब फातिमा जहरा जब दरबार में आई है तो इनसे कहा जा रहा है, जनाब फातिमा जहरा से क्या हुआ, खैरियत क्यों तशरीफ नहीं आने आओ। जनाब फातिमा जहरा ने कहा कि ये प्रॉपर्टी हमारी थी, ये मिल्कियत हमारी थी, हमारे बाबा हमको दे कर गए थे और इस पर हमारे आदमी काम कर रहे थे, तुम्हारे सिपाही गए हैं, हमारे आदमियों को वापस भेज दिया, उनसे कहिए कि हमारे आदमियों को जाने दें, वहां पर काम करने दें। दरबार में सबसे पहले जो दुनियावी और दीनी कानून को पामाल किया गया है वो मसले फिदक है। जनाब फातिमा जहरा से पूछा जा रहा है कि क्या आपके पास कोई गवाह है, ये गवाह का मुतालबा करना इस बात की दलील है, क्योंकि जनाब फातिमा जहरा का कब्जा मौजूद था उस पर 3 साल से काबिज थी, इस बात की गवाह का मुतालबा करना इस बात की दलील है कि जो खिलाफत का दावा कर रहे हैं ये ना दुनियावी कानून को मानते हैं ना दीन के कानून को मानते हैं। इसका मतलब मोहम्मद वाला ही, अगर तुम दावा करो तुम्हारा है तो
तुम उसके लिए सनद पेश करो। हमारा कब्जा था, हमारे आदमी उसका काम करना था, दुनिया जानती है। उन्होंने कहा कि कैसे आपका है? कहा हमारे बाबा इसको हमें देखते गए। मीरास का दावा नहीं है, रोजो की देख मेरे से मीरास का दावा पेश नहीं किया जा रहा पापा जहरा में। क्यों? उसकी वजह है मीरास का दावा बनता ही नहीं था, क्योंकि अपनी जिंदगी में ही सरकारे दो आलम ने जनाबे फातिमा जहरा को वो बाग लिख कर जनाबे फातिमा जहरा को दे दिया था। आपको बेहतर तरीके से मालूम है, मसला हमारे वालिद साहब मरहूम या किसी के बाप अपनी जिंदगी में अगर कोई जायदाद, कोई घर, कोई खेत, कोई दुकान अपनी ही जिंदगी में लिख कर अपने किसी बेटे को दे दे तो फिर वो प्रॉपर्टी मीरास के हक में नहीं आएगी। तो जो है क्योंकि पहले अपनी जिंदगी में अगर लिख चुके हैं तो फिर वो उसमें हक में नहीं आएगी। हाँ, बकिया जो चीज बची हुई है जब उनका इंतकाल होगा तब मीरास तकसीम होगी, लेकिन इसको अलग किया जाएगा क्योंकि जिंदगी में लिख कर दे चुके हैं। पैगंबर इस्लाम ने लिख कर जनाब फातिमा जहरा को बाबे बदर दे दिया था, हिबा का दावा पेश किया कि मेरे बाबा मुझे अता कर चुके थे, दे चुके थे। कहा अच्छा दे चुके थे, गवाह कौन है? आपके पास कोई गवाह है? अब ज़हानत मुलाहज़ा फरमाइए जनाब फातिमा जहरा, कोई गवाह है इसके लिए क्या आपके बाबा ने लिखा? जनाब फातिमा ने कहा गवाह है। कहा कौन गवाह है? मौलाए मुत्तकी आपको पेश किया। कहा हजरत अली के लिए। कहा ये मेरे शौहर, ये गवाही देंगे। मौलाए कायनात ने कहा मैं गवाही देता हूँ, तो दीजिएगा। मौलाए कायनात ने कहा मैं गवाही देता हूँ कि ये बाप फातिमा की मिल्कियत है और पैगंबर इस्लाम ने लिख कर ये बाप फातिमा के हवाले किया। उधर से जवाब आया कि नहीं, इनकी गवाही नहीं मानी जाएगी क्योंकि जो मिल्कियत फातिमा की वो मिल्कियत अली की, चूंकि जनो शोहर है, मियां बीवी है, जो उनकी है वो इनकी है, इनका भी इनमें फायदा है। जिस अली के लिए पैगंबर इस्लाम ने फरमाया हो अली माल हक वल हक महा अली, अली हक के साथ है और हक अली के साथ है, उनके लिए यानी भरे दरबार में सरकार दो आलम की हदीस को झूठा साबित किया जा रहा है। कह रहे क्योंकि इनमें फायदा है इनका, लिहाजा ये इनकी गवाही को नहीं माना जाएगा। नाउज बिल्ला ये झूठी गवाही दे रहे हैं। अब देखिए तारीख कैसे करवट बदलती है। कहा ये झूठी गवाही दे रहे हैं, इनकी गवाही को नहीं माना जाएगा क्योंकि इनके फायदा है। एक खलीफा है जो गवाही को रद्द कर रहे हैं, एक खलीफा है मुसलमानों के दरमियान कि जो गवाही दे रहे हैं, खुलफाए राशिदीन में हजरत अली भी हैं और खलीफा अव्वल भी हैं, एक गवाही देने वाला और एक गवाही लेने वाला। 20 साल के बाद इसी मौलाए कायनात को उम्मत मुस्लिमा ने अपना खलीफा तस्लीम किया कि नहीं तस्लीम किया, लेकिन मसले फदक में एक गवाही देने वाला है और एक गवाही लेने वाला है। अजीजा ने गिरामी, अब ये कैसे मुसलमान इसका फैसला करेंगे? या तो ये कहें कि इन दोनों में से एक कोई झूठ बोल रहा है, या तो खलीफा गवाही देने वाला झूठ बोल रहा है या गवाही रद्द करने वाला झूठ बोल रहा है। गवाही नहीं मानी जाएगी। इमाम हसन इमाम हुसैन के लिए क्या कहा गया? क्या कि ये तो बच्चे हैं, इनकी गवाही तस्लीम नहीं की जाएगी। और कौन गवाह है? कहा जनाबे उम्मे अयमन। जनाबे उम्मे अयमन बहुत अजीम खातून है, जन्नती खातून है, सबसे पहली जन्नती खातून जिसकी जमानत दी पैगंबर सलाम सरकारे दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जनाबे उम्मे अयमन बहुत अजीम खातून है, लेकिन जिनके साथ आई है जरा सा लगा कि कुछ अलग है उनसे, क्योंकि गवाहों में एक तरफ मौलाए कायनात मासूम, इमाम हसन मासूम, इमाम हुसैन मासूम, सिद्दीक़ ताहिरा मासूमा, ये उम्मे अयमन को क्यों लेकर आए जनाब फातिमा? उम्मे अयमन को लाने की क्या वजह थी? आपने गौर किया कभी? ये उम्मे अयमन ये मासूमा नहीं है। अगर उम्मे अयमन आई तो फिर जनाब फिज़ा क्यों नहीं है? अगर उम्मे अयमन आई तो दूसरी खवातीन क्यों नहीं आई? अगर गैर मासूमा उम्मे अयमन आ सकती
नहीं है तो जनाब सलमान क्यों नहीं? क्या जनाब सलमान गवाही ना देते, जनाब बुजर गवाही ना देते, जनाब मर्दान गवाही ना देते? सिर्फ उम्मे ऐमन को लाने की वजह क्या है? सिर्फ उम्मे ऐमन को लाने का सबब क्या है? उसकी वजह जनाब फातिमा जहरा की ज़हानत है। अब देखिए मसला क्या हुआ। जैसे ही पहला दावा रद्द किया गया, कहा कि हजरत अली की गवाही नहीं मानी जाएगी, हसन हुसैन बच्चे हैं इनकी गवाही नहीं मानी जाएगी, उम्मे ऐमन से कहा कि तुम्हारी गवाही मान ली जाती है लेकिन तुम औरत हो, कनीज हो, अकेले की गवाही नहीं मानी जाएगी, या तो तीन औरतें और हो या तो मर्द दो आगे गवाही दे तो तुम्हारी गवाही है तो लेकिन नाकिस है, लिहाजा उम्मे ऐमन की भी गवाही नहीं तस्लीम की गई। जो मामला था, जो मुकदमा था, उसको खारिज कर दिया गया। जनाब फातिमा जहरा ने जो दावा पेश किया उस दावे को खारिज कर दिया गया, क्योंकि जिरा हुई है गवाहों पर। पहले गवाह के लिए कहा गया कि ये आपके शौहर हैं, जो फायदा आपका है वही फायदा इनका है, हसन हुसैन बच्चे हैं, इस पर भी जिरा की गई, बच्चों की गवाही नहीं मानी जाएगी, उम्मे ऐमन एक औरत है और औरत के अकेले की गवाही नहीं मानी जाती, लिहाजा आपका ये मुकदमा, आपका ये दावा खारिज किया जाता है। जैसे ही मुकदमा खारिज हुआ, अब जनाब फातिमा जहरा ने पलट कर कहा कि ठीक है मुकदमा खारिज कर रहे हो, यही तो साबित हुआ है अब तक, वो तो कीजिए मेरे अजीजों, यही तो साबित हुआ है इस मुकदमे के खारिज होने से कि मेरे बाबा ने हिबा नहीं किया, मेरे बाबा ने लिख कर नहीं दिया, तुम्हारे मुताबिक, मेरे मुताबिक साबित है, मेरे मुताबिक साबित है, तुम्हारे मुताबिक साबित अभी तक साबित नहीं हुआ, ये कहना चाह रहे हो कि गवाही रद्द हुई, यानी मुकदमा खारिज हुआ, मुकदमा खारिज हुआ यानी ये बात साबित नहीं हुई कि हमारे बाबा ने हमें लिख कर दिया है, जब साबित नहीं हुआ तो फिर ठीक है मीरास के एतबार से जो हक हमारा बनता है वो तो हमें मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, अगर नहीं दिया तो यानी पैगंबर इस्लाम की मिल्कियत रही, और जब पैगंबर इस्लाम मेरे बाबा की मिल्कियत, अब मेरे बाबा इस दुनिया में नहीं है, उनकी इकलौती वारिस मैं हो, तो मीरास के तौर पर ये मिल्कियत मुझ तक पहुंचनी चाहिए। सलाम करते मोहम्मद वाले कितना बनता है जनाब फातिमा का पता है? पूरी ये प्रॉपर्टी में ये मिल्कियत जो थी हक कितना बनता है शरीयत के एतबार से? पूरे बाग फिदक को 8 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा, क्योंकि बहुत से तजुर्बेकार अफराद यहां पर बैठे हुए हैं, ताकीद करेंगे हमारी बात की। इस पूरी प्रॉपर्टी को जो ये है पैगंबर इस्लाम की, इसको 8 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा। 7 हिस्सा जनाब फातिमा जहरा को होगा, 1 हिस्सा जो बचेगा फिर उसको 9 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा। इन 9 हिस्सों को एक एक बीवी को बराबर बराबर दिया जाएगा। सलाम बड़े मोहम्मद वाले मसाला पूरा फैदक का, यानी जितनी प्रॉपर्टी है पैगंबर इस्लाम की, जितनी भी प्रॉपर्टी है उस पूरी प्रॉपर्टी के पहले 8 बराबर के हिस्से होंगे। 7 हिस्सा दे दिया जाएगा जनाब फातिमा को, चूंकि 9 जौजा है, 9 बीवियां हैं, तो उसमें 8वां हिस्सा बीवी का होता है, 9 बीवियां हैं, तो फिर उस 8वें हिस्से के 9 हिस्से बराबर बराबर किए जाएंगे, फिर एक एक हिस्सा उनकी बीवियों को। तो जनाब फातिमा जहरा ने कहा कि ठीक है मीरास में मेरा मुझे हक दिया जाए, कहा मीरास में जो बनता है मेरा हक वो हमें वो तकरीबन पूरा एक हिस्सा निकलेगा, तकरीबन पूरा हिस्सा वो भी बनता है मेरा, ये मीरास में मेरा हक, क्योंकि मेरे बाबा की मिल्कियत थी, तुम कह रहे हो कि साबित नहीं लिख कर दिया, तेरे पैगंबर इस्लाम मेरे बाबा के पास था, मेरे बाबा इस दुनिया में नहीं है, मैं वारिस हूँ उनकी, लिहाजा मीरास में जो मेरा हक बनता है हमें दिया जाए। एक मरतबा खलीफे अव्वल कहते हैं कि नहीं हम नहीं ले सकते। कहा क्यों? कहा हमने सुना है आपके बाबा फरमाया करते थे क्या, नहनु माशरुल अंबिया ला नरसो वला नूरस,
हम रोहे अंबिया ना वारिस बनते हैं ना किसी को वारिस बनाते हैं, ना हम किसी के वारिस होते हैं ना हमारा कोई वारिस होता है। ये पैगंबर इस्लाम, मेरे अजीजों जरा सा गौर कीजिए, मीरास का मामला बाप और बेटे के दरमियान, वसीयत जो कर रहा है पैगंबर इस्लाम, ये बाप है, इनकी वारिस कौन है? जनाब फातिमा ज़हरा। ये जो रवायत गढ़ी हुई झूठी हदीस जो है, इसको नकल कर सिर्फ एक आदमी नकल कर रहा है, वही जो बयान कर रहा है उसके अलावा किसी ने नकल नहीं किया, किसी ने बयान नहीं किया, झूठी रवायत। जैसे ही जनाब फातिमा ज़हरा ने कहा कि क्यों नहीं मुझे मीरास मिलेगा, कह रहे हमने आपके बाबा से सुना था, हम क्या करें, नहीं दे सकते, कि मैं आपके बाबा कहते थे कि हम अंबिया हैं, ना हमारा कोई वारिस होता है ना हम किसी के वारिस होते हैं, लिहाजा उनका जो छोड़ा हुआ होता है वो सदका होता है और दूसरों में तकसीम होता है। अच्छा, सदका है, माँ तरक ना हो सदका, जो हम छोड़ते हैं गुरु है अंबिया वो सदका होता है, तो सदका मीर बाबे पैदा गया कहाँ उसके बाद? जब तक खलीफे अव्वल थे इनके कब्जे में था, फिर खलीफे दूसरों के कब्जे में, फिर खलीफे सेवों के कब्जे में, फिर उनके दामाद मरवान के कब्जे में, फिर उसके बाद बनी उमैया के पास रहा, फिर उसके बाद बनी अब्बास के कब्जे में रहा। लेकिन सदका जो होता है वो गरीबों का हक होता है, वो मिस्कीनों का हक होता है, वो मोहताजों का हक होता है। अगर खुद कह रहे हो कि जो छोड़ा है वो सदका है, तो इसे गरीबों में बांटो, अपने पास क्यों रखे हुए हो? अंदाजा नहीं था कि बात किससे हो रही है, इनको पता नहीं था कि ये गुफ्तगू किससे हो रही है। जैसे ही एक रवायत गढ़ के जनाबे फातिमा ज़हरा को सुनाया, जनाबे फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं कि क्या कह रहे हो, इतनी जल्दी मेरे बाबा पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हो, इतनी जल्दी इतना बड़ा झूठ मेरे बाबा की तरफ मंसूब कर रहे हो, क्या मेरे बाबा कुरान के खिलाफ कोई बयान दे सकते हैं? तो कीजिएगा, क्या मेरे बाबा कुरान के खिलाफ कोई बोल कुछ बोल सकते हैं? कुरान के खिलाफ कहा, कुरान के खिलाफ कहा, कुरान की 7 आयतें, तवज्जो कीजिएगा जनाबे फातिमा ज़हरा, मेरे अजीजों जनाबे फातिमा ज़हरा सिर्फ एक जमीन का मुतालबा करने के लिए दरबार में नहीं गई थी, जनाबे फातिमा ज़हरा का मकसद बहुत अजीम था, सिद्दीका ये चाह रही थी कि इस दावे के जरिए से ये साबित कर दिया जाए कि हक किसके साथ है और बातिल पर कौन है। जैसे जनाबे फातिमा ज़हरा ने कहा कि क्यों नहीं मुझे मिलेगा, क्या आपके बाबा ने कहा कि जो हम छोड़ते हैं वो सदका होता है, हम जो है अंबिया ना वारिस होते हैं ना हमारा कोई वारिस होता है, करे इतना जल्दी हमारे बाबा पर इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा? क्या मेरे बाबा कुरान के खिलाफ बोल सकते हैं? क्या मेरे बाबा कुरान के खिलाफ का, कुरान के खिलाफ का 7 आयतें सिद्दीका ताहरा ने दरबार में पढ़ी है, जो फकत और फकत मीरास के मुताबिक थी। फरमाती जनाब फातिमा ज़हरा, वो वरसा सुलेमान और दाऊद के कुरान नहीं पढ़ा कि जिसमें खुदावंद आलम कहता है कि सुलेमान दाऊद के वारिस हुए हैं, एक नबी सुलेमान है, एक नबी दाऊद है, एक नबी वारिस हो रहा है, एक नबी वारिस बन रहा है। कैसे कह रहे हो कि ना नबी वारिस होता है ना नबी वारिस बनाता है? अतरसो नी अतरसो अबाद वला अरसो अभी, तुम कैसा, ये कौन सा इंसाफ है कि ऐ खलीफे अव्वल तुम अपने बाप के वारिस बनो और मुझे अपने बाप की विरासत में से कुछ ना मिले? ऐसा ना बोले मोहम्मद वाले, क्योंकि हमने खुद आपके बाबा से कहते हुए सुना है
जनाब फातिमा ज़हरा ने आयतों पर आयतें तिलावत करना शुरू की, आयतों पर आयतें पढ़ना शुरू की। 7 आयतें जनाब फातिमा ज़हरा ने तिलावत की हैं दरबार में कुरान मजीद की, और वो झूठी रवायत पेश कर रहे थे, झूठी रवायत बयान कर रहे थे, पैगंबर इस्लाम की तरह झूठी बात को मंसूब कर रहे थे। अजीजा ने ग्रामी, जनाब फातिमा ज़हरा किसी मिल्कियत का मुतालबा करने के लिए, किसी जमीन का मुतालबा करने के लिए नहीं गई थी, बल्कि हक को बातिल वाज़ह करने के लिए दरबार में गई थी। जनाब फातिमा ज़हरा ने इस मुकदमे के जरिए से ज़माने हाल से दरबार में जाकर खलीफा को मुखातब करके कहा कि देखो कल मेरे बाबा, हकीकत को वाज़ह करने के लिए जनाब फातिमा ज़हरा फरमाती है कल मेरे बाबा हदीस लिखना चाह रहे थे तो तुमने कलम कागज नहीं दिया, ये कह दिया कि हमारे लिए कुरान काफी है, आज हम कुरान पेश कर रहे हैं तो तुम हदीस सुना रहे हो, मतलब ये है कि न तुम कुरान मानते हो न तुम हदीस मानते हो। न तुम कुरान तस्लीम करते हो न तुम हदीस तस्लीम करते हो, क्योंकि हम कुरान जब पेश कर रहे हैं तो कुरान के मुकाबले में हदीस नहीं आती, क्योंकि कभी भी कोई मासूम कुरान के खिलाफ बयान नहीं दे सकता, कुरान कुरान है। जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने उस ज़हालत का मुजाहरा किया है दरबार में, साबित कर दिया कि हक किसके साथ है बातिल किसके साथ है। अब आइए कि उम्मे अयमन को क्यों लेकर आई थी, जब जनाब फातिमा ज़हरा ने कहा कि हिबा नहीं है तो मीरास, आखिरी बात, जब हिबा नहीं है तो मीरास के तौर पर हमें ये मिल्कियत मिलनी चाहिए, क्या कहा गया, कहा कि हम नहीं दे सकते, कहा क्यों, कहा क्योंकि रसूलुल्लाह फरमाते थे कि हम गुरुए अंबिया न वारिस होते हैं न हमारा कोई वारिस होता है, जो हम छोड़ते हैं वो सदका होता है। जनाब फातिमा ज़हरा ने जनाब उम्मे अयमन के शाने पर हाथ रखा, कहा जानते हो जनाब उम्मे अयमन को इनको क्यों लेकर आई थी जनाब फातिमा ज़हरा, जनाब उम्मे अयमन का दरबार में मौजूद होना ही खिलाफत के झूठा होने की सबसे बड़ी दलील थी। क्यों? क्योंकि जनाब उम्मे अयमन की तारीख पढ़िए मेरे अजीजों, जनाब उम्मे अयमन पहले कनीज थी जनाब अब्दुल्लाह की। जनाब अब्दुल्लाह कौन? यानी सरकार दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जनाब अब्दुल्लाह की कनीज थी। जब जनाब अब्दुल्लाह का यानी पैगंबर इस्लाम के वालिद का इंतकाल हुआ, जब उनकी मीरास बटी है, तो फिर जनाब उम्मे अयमन मीरास के तौर पर पैगंबर इस्लाम के पास आई है। दो रवायतें हैं कि पैगंबर इस्लाम ने इनको आजाद कर दिया, दूसरी रवायत है कि नहीं आजाद नहीं किया, मीरास के तौर पर जनाब फातिमा ज़हरा के हिस्से में बतौर मीरास जनाब उम्मे अयमन आई है। यानी जनाब उम्मे अयमन को इसलिए जनाब फातिमा ज़हरा लेकर आई थी क्योंकि जनाब उम्मे अयमन एक ऐसी जात है कि जिसके पैगंबर वारिस बने भी है और जिसके पैगंबर जिसको वारिस बनाया भी है। और उधर से क्या कहा जा रहा था कि आपके बाबा ने कहा है कि हम ना वारिस बनते हैं ना वारिस बनाते हैं। जनाब फातिमा ने कहा कि इनको देखो पैगंबर ने इनको वारिस बनाया भी है और इनके वारिस बने भी है। जनाब उम्मे अयमन पैगंबर इस्लाम के हिस्से में आई थी और फिर वही उम्मे अयमन जनाब फातिमा ज़हरा के पास थी बतौर मीरास कह रहे हैं कि आजाद कर दिया था तब भी जनाब पैगंबर इस्लाम के घर पर थी और जनाब फातिमा ज़हरा के हिस्से में आई थी। यह ज़हादत जनाब फातिमा सलाम हो जनाब फातिमा ज़हरा की अजमतों पर, इनकी ज़हादत पर, अपने दुश्मन को ऐसे दोराहे पर खड़ा कर दिया लाकर कि जिसकी सदाकत की गवाही, जिसकी तहारत की गवाही कुरान मजीद दे रहा हो। यानी अगर कोई जनाब फातिमा ज़हरा की इस्मत पर एक हर्फ उठाता है तो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा।
वो दोजखी हो जाएगा, वो जन्नती हो ही नहीं सकता। ऐसे दोराहे में खड़ा किया है इस जहान से सिद्दीक एहतियाद खिलाफत को, और वो दलीलें पेश की हैं, वो खुतबा दिया है जनाब फातिमा ज़हरा ने दरबार में, ऐसे दोराहे में खड़ा किया है कि खलीफ़े अव्वल या तो तुम मुझे सच मानो और खिलाफत छोड़ दो, या तो फिर मुझे झूठा मेरा दावा झूठा मानकर जन्नत छोड़ो, कोई तीसरा रास्ता नहीं तुम्हारे पास। सच्चा तस्लीम कर रहा हूँ दलीलों की वजह से तो तुम्हें खिलाफत भी छोड़नी पड़ेगी। ये मेरा जुमला नहीं है, ये भी बहुत बड़े अहले सुन्नत के बहुत बड़े आलिम का जुमला है, इब्ने अबिल हदीद मुअतज़िली जिन्होंने नहजुल बलागा की शरह लिखी है, वो इब्ने फारूकी जो उनके उस्ताद हैं उनसे उन्होंने पूछा क्या बताइए फलाह फदक के मसले में, ये दोनों उन्होंने अहले सुन्नत के बहुत बड़े आलिमों में से हैं, क्या बताइए फदक के मसले में जनाब फातिमा ज़हरा हक पर थी का बिल्कुल हक पर थी, क्या अगर हक पर थी तो फदक दिया क्यों नहीं दिया, कहा अगर फातिमा को फदक दे दिया गया होता तो फातिमा खिलाफत का भी मुतालबा कर लेती, और जब फदक दिया था तो खिलाफत भी वापस करनी पड़ती, लिहाजा इन लोगों के पास कोई रास्ता नहीं था कि मुकर जाओ फातिमा की दलीलों से। बस मेरे अजीजों ये है तारीफ, बहुत खुलासतन अपनी खिदमत में पेश किया है, अहम वाकया ये तारीफ का सिद्दीक़ ताहरा की अजमत है, इस वाक़े के ज़रिए से तशय्यु की हक्कानियत से पूरी दुनिया में जितने भी आज तक उलमा गुज़रे हैं चाहे सुन्नत के चाहे तशय्यु के, आइए जवाब दीजिए इस दावे का, चाहे दुनियावी कानून के अतबार से रखिए इसको चाहे दीनी कानून के अतबार से इसको रखिए, क्या जवाब देगा कोई इंसान? अगर बाप ने लिख कर दिया है तो जनाबे फातिमा ज़हरा का हक है कि नहीं है, नहीं लिख कर दिया है तो मीरास में जनाबे फातिमा ज़हरा का हक है कि नहीं है, अगर हक है तो हक से महरूम क्यों किया गया, क्या जवाब देंगे तुम उसको, क्यों छीना गया ये हक जनाब फातिमा से, क्यों गस्ब किया गया ये? एक और तारीख है कि जब दलीलें दी हैं जनाब फातिमा ज़हरा ने दरबार में तो जब कोई जवाब ना बना था ठीक कहते हैं कहीं लिख कर हम देते हैं, पहले खलीफा ने लिख कर दिया कागज जनाब फातिमा को बाबे फिदक लेकर निकल ही रहे थी कि दूसरे खलीफा आ गए, फाड़ा है कागज छीन कर जमीन पर फेंका है, पैरों से मसला है उस पर थूका है जनाब फातिमा साहब। मेरे अजीजों ये दरबार में जाना जनाब फातिमा ज़हरा का ये मामूली खातून नहीं है, एक पैगाम ये भी है, हमारी माएँ बहनें भी सुन रही हैं, इस्लाम के लिए कहते हैं ना कि लोग बंदिश में रखते हैं बेटियों को, पाबंदी लगाते हैं बेटियों को, जनाब फातिमा ज़हरा की सीरत है, पूरी ज़िंदगी में कई पहलू नज़र आएंगे आपको जनाब फातिमा के, कभी मुबाहले में नज़र आएंगे जनाब फातिमा, जंग के बहुत में भी जनाब फातिमा ज़हरा गई थी, मुबाहले में गई थी, इसके अलावा यहूदी के घर शादी में भी नज़र आएंगी, इसके अलावा यहूदी के घर जब इंतकाल होता है कोई तदफीन करने गुस्ल करने के लिए उसकी बीवी को नहीं जाता वहाँ पर जनाब फातिमा नज़र आएंगी, बाप फिदा अपने हक के मुतालबे के लिए भी जनाब फातिमा ज़हरा दरबार में गई हैं, यानी ये पैगाम देना चाहती हैं कि हिजाब में रहकर इस्लाम के कवानीन के रियायत करते हुए अगर खातून घर से निकल कर अपने हक का मुतालबा करना चाहे तो उसको मुकम्मल आज़ादी है, ये सीरत है जनाब फातिमा ज़हरा की, जा सकते हैं अपने हक के मुतालबे के लिए, अपना हक था जो मांगने के लिए जनाब फातिमा ज़हरा वापस क्यों नहीं लिया जब इख्तदार आ गया, ये भी एक सवाल है, बहुत सवाल होता है इसी चीज़ में कि ठीक है जनाब फातिमा ज़हरा को नहीं दिया गया, उस वक्त इख्तदार उनके पास था, ताकत थी उनके पास, तलवार थी उनके पास, नहीं दिया गया, कुछ साल के बाद मौलाए कायनात के पास इख्तदार आ गया, ले लेते वापस कर सकते, ले सकते थे नहीं ले सकते थे, हर चीज़ मौलाए कायनात वापस ले लेते, नहीं अजीज़ो
ये सवाल छठे इमाम से पूछा गया। मौला जब आपके दादा मौला कायनात के पास इम्तिदान आ गया तो वापस क्यों नहीं लिया? तो छठे इमाम ने कहा कि हम हक का मुतालबा तो कर सकते हैं, लेकिन जो माल हमसे गस्ब किया गया है, जबरदस्ती छीना गया है, ताकत आने के बाद हम जबरदस्ती उसे वापस नहीं लेते, ताकि हमारे दुश्मन के अजाब में इजाफा होता रहे। बस मेरे अजीज खत्म हो गई गुफ्तगू। ये जनाब फातिमा ज़हरा, परवरदिगार ये सब अजादार हैं, जनाब फातिमा ज़हरा का गम मनाने के लिए बैठे हैं, इनकी आज़ादारी को कबूल फरमाना। अजीब खातून है जनाब फातिमा ज़हरा, ये पढ़ना बहुत आसान है मेरे अजीज़ों, कि जनाब फातिमा ज़हरा दरबार में गई, कागज दिया गया, पढ़ा गया, फेंका गया, थूका गया, हमने पढ़ दिया आपसे, आपने सुन लिया आसानी से। लेकिन इसी मसाइल को एक जाकिर, एक आलिम दीन थे, वो बयान करते थे। वो जब यहाँ पर पहुँचते थे तो पढ़ते पढ़ते एक काम करते थे, कागज से, जेब से एक कागज निकालते थे, उसको टुकड़े करके मिंबर के नीचे फेंक देते थे, फिर उतरते थे, उन कागज के टुकड़ों को उठाते थे, मिंबर पे आके मोमिनीन से सवाल करते थे, बताओ इन टुकड़ों को उठाने में मुझे कितना टाइम लगा? तो कहते थे चंद लम्हे लगे हैं हुजूर, इससे ज़्यादा नहीं लगा। तो वो कहते थे जिसको तुम चंद लम्हे कह रहे हो, इतनी देर में फातिमा बूढ़ी हो गई थी, इतनी तकलीफ हुई है जनाब फातिमा को, इतनी अजियत हुई है जनाब फातिमा ज़हरा को। आप सुनते हैं मसाइब इमाम मुहर्रम को, जनाब अली असगर के मसाइब अंदर से बयान होते हैं, कि जब जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जनाब अली असगर को लेकर आगे बढ़ रहे थे, कभी आगे जा रहे थे, कभी पीछे हट रहे थे, कह रहे थे इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, क्यों ये कैफियत क्यों थी? सोचते थे रबाब को क्या जवाब देंगे, सकीना से क्या बताएंगे, ज़ैनब को क्या खबर देंगे। यही वजह है कि कभी आगे बढ़ते थे फिर वापस आ जाते थे। तारीख उठा के देखिए, जब फातिमा दरबार में गई थी तो यही हाल मौलाए कायनात का था, कभी इस गली में जाते थे, कभी उस गली में जाते थे, कभी घर में जाते थे, कभी सहना, हाय फातिमा दरबार में गई है। आज अल्लाह कुरान किसी को ना लगाए सिवाय हमें अहले बैत ने सलाम के। अभी दो दिन और बात करना है आपको, और गिरिया करना है जनाब फातिमा ज़हरा के मसाइब पर, और शहादत बयान, मुझे कोई शहादत नहीं बयान करनी है। कितनी असीयत हुई जनाब फातिमा को, जब आते हुए देखा है मलाइका कायनात ने जनाब फातिमा को, टहल रहे हैं, इधर से जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, हर फातिमा दरबार में गई, हर फातिमा दरबार में गई, आते हुए देखा, दौड़ के गए, फातिमा खैरियत क्या हुआ, क्या हुआ, कई क्योंकि कई मरतबा आई गई थी, क्या हुआ? का अबुल हसन, अफसोस ये नहीं है कि किसी ने एहतराम नहीं किया, अफसोस ये नहीं है कि किसी ने बैठने के लिए नहीं कहा, अफसोस ये है कि फातिमा को दरबार में छुटलाया गया है। दरवाजे पर आग और लकड़ियां लेकर लोग जमा हो गए, अबुल हसन को निकालो वरना इस घर में आग लगा देंगे, वरना इस घर में हम आग लगा देंगे। जनाब फातिमा ने कहा क्या उस घर में आग लगाओगे जिसमें फातिमा के छोटे, जिसमें रसूल के छोटे छोटे नवासे रहते हैं? कहता वाइल हुआ करें, हमको इससे कुछ नहीं लेना देना है। अजीजो दरवाजे में आग लगी, दरवाजा जलने लगा, फातिमा दरवाजे के पीछे अबुल हसन को बचाने के लिए अली की मुदाफे जनाब फातिमा ज़हरा, एक मरतबा दरवाजे को धक्का दिया टूट गई थी। बस आखिरी जुमला, अभी चंद दिन का वाक्य, खत्म हो गई गुफ्तगू, शहादत बयान होगी इंशाअल्लाह, मुसाब होंगे, मसाइब सुनेंगे आप। एक चंद दिन का वाक्य, चंद साल पहले का वाक्य है,
मजलिस हो रही थी जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत के मौके पर, ज़ाकिर आया, उसने मसाइब पढ़े। मसाइब पढ़ते पढ़ते यही रवायत पढ़ी कि तरह वो दीवार के दरमियान फातिमा आ गई, फातिमा की पसलियाँ टूट गई, मजलिस खत्म हो गई। मौनी ने मातम किया, गिरिया किया, तबर्रुक लेकर चले गए। लेकिन ज़ाकिर ने महसूस किया कि कोने में बैठा हुआ एक मोमिन है जो रोए जा रहा है, चुप नहीं हो रहा है, गिरिया किए जा रहा है, रोए जा रहा है, सारों कतार आंसुओं से रो रहा है। जब बहुत देर हो गई तो ये ज़ाकिर जो मजलिस पढ़ रहे थे उसके पास गए, कहा भाई बताओ अल्लाह तुम्हारा गिरिया कबूल करे, बीबी तुम्हारा गिरिया कबूल करे, इतना क्यों क्रिया कर रहा, कौन सा जुमला था, कौन सी रवायत थी जिसने इतना असर किया कि अभी तक तुम खामोश नहीं हो पाए। कहा मौलाना साहब कोई नई बात नहीं, बस रही अभी आपने जो पढ़ा कि फातिमा की पसलियां टूट गई थी, कहिए तो सब पढ़ते हैं। कहा लेकिन मौलाना साहब आप मुझे जानते नहीं, मैं हड्डियों का डॉक्टर, मुझे पता है कि अगर हाथ की हड्डी टूट जाए तो जब हाथ हिलेगा तब दर्द होगा, पैर की हड्डी टूट जाए तो जब पैर में हरकत होगी तब दर्द होगा, बदन के किसी भी हिस्से की हड्डी जब टूट जाए, जब उसको हिलाया जाएगा, जब हरकत होगी, जब हिलाया जाएगा तब दर्द होगा। लेकिन पसली एक ऐसी हड्डी है कि अगर उसमें कोई चोट लग जाए, अगर टूट जाए तो जब जब इंसान सांस लेगा उसे तकलीफ होगी, उसे अजियत होगी, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे पता है। इसलिए जनाब अभी आपने कहा फातिमा की पसलियां टूट गई थी, मुझे एहसास हो गया फातिमा जब जब सांस ले रही थी फातिमा को कितनी तकलीफ हुई होगी। लेकिन मेरे अजीज तो इतनी अजियत के बाद भी जनाब फातिमा ने अबुल हसन को नहीं बताया, वो तो खुशी देते देते जब हमारी सजा को कबूल फरमा, मजीद ज़ाहिल बैत की तौफीक अनायत फरमा। या अल्लाह जब तक जिंदा है तेरे अहले बैत से वाबस्ता रखना, मरने के बाद जवारे मासूमीन में जगह इनायत फरमा। बारे लहा बे हक़ मोहम्मद व आल मोहम्मद, जहाँ जहाँ भी मोमिनीन शिया हैं तेरे करार के जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। बारे लहा जहाँ जहाँ भी मोमिनीन पूरी कायनात में अय्याम अज़ाए फातिमिया मनाए जा रहे हैं, जहाँ जहाँ भी मोमिनीन मजालिस बर्पा कर रहे हैं, शहजादी के गम में आंसू बहा रहे हैं, परवरदिगार तमाम मोमिनीन के आज़ादारी को कबूल फरमा। या अल्लाह इन मजालिस के अहतमाम में जितने भी मोमिनीन ने जिस सूरत में भी हिस्सा लिया है परवरदिगार इन सब की इस खिदमत को कबूल फरमा। या अल्लाह हमें ऐसा बनाना ताकि मोहम्मद व आले मोहम्मद हमसे राजी हो जाए। परवरदिगार सुलह जोर के खात्मे के लिए आखिर गुज्जर इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। इल्तिमास से मुतासर के खिलाफ माँ का शकीर हसन इब्ने गुलाम रमी आबिदा बेगम बिनत फकीर अब्बास की अरबाब और इस्लाम।